वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप 1000 यूएस डॉलर से मनचाहा एल्स का स्कोर पा सकते हैं। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, 1000 डॉलर से आपको मनचाहा स्कोर मिल जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिपोर्ट मत करना। ये वीडियो सिंपली IELTS के स्कैम को बस करने के लिए, और इसमें मैं बताऊंगा कैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं और 1000 डॉलर से 2000 डॉलर के बीच में ले रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि आपको मनचाहा IELTS का स्कोर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हर एक नए वीडियो के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा संदेश जी का, जिन्होंने मुझे परमिशन दिया सारे स्क्रीनशॉट यूज करने के लिए। जो स्कैमर था उन्होंने इन्हीं से बात करी और संदेश जी ने कितनी अच्छी तरह से उस स्कैमर को हैंडल किया है, वो भी आप सारे स्क्रीनशॉट में देखेंगे। तो शॉर्ट में आपको ये स्टोरी बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ, उसके बाद आप सारे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और पॉज करके उनको पढ़ भी सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, बस चाहता हूँ कि आप IELTS स्कैम्स के बारे में अवेयर हो जाए। तो स्टोरी यह है कि संदेश जी को एक IELTS स्कैमर ने कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि भाई मैं तुम्हें मनचाहा IELTS का स्कोर दिलवाऊंगा सिर्फ 1000 डॉलर में। तो संदेश जी का नंबर उस IELTS स्कैमर को कैसे मिला उनको भी नहीं पता, मे भी किसी फेसबुक ग्रुप से उन्होंने कहीं शेयर किया होगा, जो भी है। बट उस IELTS स्कैमर के पास उनका नंबर था और उसने खुद कॉन्टेक्ट किया उनको कि भाई ये हमारी प्रोसेस है और मनचाहा IELTS का स्कोर दिलवा दे। तो IELTS स्कैमर शुरू करता है बात अपनी प्रोसेस से, बताता है कि हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए, आपकी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए और हमारे कॉन्टेक्ट IELTS एग्जाम के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे, और उनसे हम बोलेंगे कि भाई डेटाबेस में एंट्री कर दो और आपको आपका मनचाहा स्कोर मिल जाएगा। तो भाई बात बड़ी अच्छी लग रही है कि कोई भी डेटाबेस में अगर एंट्री करवा दे और कहीं से वेरीफाइड हो जाए TRF तो ओरिजिनल ही लगेगा बिल्कुल, और उसके बाद वो आपको एक डुप्लीकेट TRF बना के दे दें। तो भाई जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है और उतना अच्छा है नहीं, ऐसे स्कैम से प्लीज बचिए। और IELTS के जो ऑफिशियल होते हैं वो ऐसे ही कामों में नहीं इन्वॉल्व रहते। अब तो चलिए आगे बताता हूँ उसने आगे क्या बोला। उसने भाई ये बोला कि अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड से टाइम से पहले की आपका रिजल्ट दिलवा देंगे, उससे पहले की एंट्री कर देंगे। किसी को शक ना हो, कोविड के टाइम में एग्जाम तो चल नहीं रहे, तो इससे पूरा शक हो जाएगा कि भाई आपने एग्जाम कहाँ से दिया। तो उन्होंने भाई बोला कि ठीक है, सारी बातें सही है, तो भाई तुम्हें प्रोसेस क्या है और कितना पैसा लगेगा। तो उसने कहा भाई 1000 डॉलर में सारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई 1000 डॉलर ये क्या है। तो उन्होंने भाई मैं तो सिर्फ 200 डॉलर दूंगा, काम करना है तो करो। भाई नहीं, 200 में अपना पड़ता नहीं पड़ता, 200 में मैं नहीं कर सकता, पर मैं प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो भाई उसके बाद वो पीछे लग गया मैसेज करके कि भाई इंटरेस्टेड हो या ना हो। तो संदेश भाई ने भी उनसे उससे इंफॉर्मेशन पूछी कि भाई तुम्हारी वेबसाइट क्या है, ये है वो है। और तो उस बंदे ने वेबसाइट दी कोई फेक सी और एक IELTS की जो TRF होती है वो शेयर करी। तो उन्होंने बोला कि भाई जिसकी TRF है उसका नंबर दो, बात करके वेरीफाई करना चाहूँगा। तो भाई उसने कुछ भी नहीं दिया और सीधे सीधे लास्ट में भाई गाली गलौज होके ये सारा मामला हो गया बंद। तो जितनी जल्दी मैंने आपको स्टोरी बता दी है उतनी शॉर्ट ये है नहीं, आपको आगे आप जो स्क्रीनशॉट्स देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे स्क्रीनशॉट अच्छे से पढ़ना, स्टॉप कर लेना वीडियो को और अच्छे से उन स्क्रीनशॉट को पढ़ना, उसने क्या बोला है, क्या क्या स्कैमर आपसे बोल सकते हैं और कैसे कैसे आपको समझना है।
आई होप कि आपने सारे स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से देख लिए होंगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी आईएलटीएस स्कोर पाने कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए, एग्जाम दीजिए, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, तो उसके बाद आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। मैंने खुद आईएलटीएस का एग्जाम 6 टाइम दिया हुआ है, तो छठवें बार में मुझे जो मेरा गोल्डन स्कोर चाहिए था वो मिल गया। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो मुझे गोल्डन स्कोर चाहिए था तो मैंने उसके लिए मेहनत करी, अगर आपको सिर्फ 6 बैंड लाना है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, तो डिपेंड करता है सिचुएशन में। तो मेन टेक अवे इस वीडियो से यही है कि किसी भी आईएलटीएस स्कैम में ना फंसे, किसी को भी पैसे ना दे, ऐसे लालच में ना आए। बहुत ही लाल आपको अच्छे लगेंगे कि भाई आप लालच में आ सकते हैं कि कहेंगे भाई स्कोर मिल रहा है बिना कुछ करे हुए 60-70 हज़ार रुपये देने में क्या है। तो भाई कभी मत पड़िए, अगर आपको किसी ने फेक स्कोर दे भी दिया तो आप फंस जाएंगे। जो भी आप स्टूडेंट वीजा लगा रहे हैं, पीआर लगा रहे हैं, तो आपका सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा और 5-6 साल के लिए बैन अलग हो जाएंगे। और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपको कोई स्कैमर कॉन्टैक्ट करता है तो प्लीज़ अपने फेसबुक में या किसी आप आईएलटीएस ग्रुप में जहाँ पे भी जुड़े हैं उन सबके साथ शेयर करिए कि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। और इस चैनल में मैंने कुछ आईएलटीएस के वीडियो भी डाले हुए, आईएलटीएस की कुछ मस्ट नो टिप्स हैं जिसको आप पढ़ के या जान के आप आईएलटीएस में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और कौन सी टिप्स भी है, और अगर आपका काम सिर्फ फ्री आईएलटीएस की टिप से नहीं हो रहा तो मैंने फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज भी डाले हैं जिससे आप आईएलटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो वो सारे वीडियो देखना ना भूलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और यहाँ कहीं आई बटन पे भी डाल दूंगा, तो प्लीज चेक देम आउट। और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है ऐसा कोई स्कैमर, तो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में, या आपको कभी किसी ने पहले ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर चुका है या आपने किसी को मनी दी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे आपका एक्सपीरियंस में और लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एट लास्ट मैं फिर से थैंक्स करना चाहूंगा संदेश भाई का, जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट मुझे दिए, परमिशन दी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। तो संदेश भाई ने तो अपना काम कर दिया, पर आप अपना काम करना ना भूलें, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बताएं आईएलटीएस के स्कैम कैसे हो रहे और कैसे लोग आपको इस कोविड के टाइम में भी बेवकूफ बनाने की फुल तैयारी में। मैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज फिर को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे आगे भी। इस वीडियो में था सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बाय।